कॉमेडियन मुनव्वर फारूकी को यूपी लाएगी पुलिस। अभी एमपी के इंदौर जेल में बंद है मुनव्वर फारूकी। प्रयागराज पुलिस ने मांगा वारंट भी। हिंदू देवी देवताओं पर की थी आपत्तिजनक टिप्पणी। अभी एमपी के इंदौर जेल में बंद है मुनव्वर फारूकी। प्रयागराज पुलिस ने मांगा वारंट भी। हिंदू देवी देवताओं पर की थी आपत्तिजनक टिप्पणी। बड़ी खबर आपको लखनऊ से बता रहे हैं, कॉमेडियन मुनव्वर फारूकी को यूपी लाएगी पुलिस। अभी मध्य प्रदेश के इंदौर जेल में बंद है मुनव्वर फारूकी। बड़ी खबर लखनऊ से आपको बता रहे हैं, इस वक्त प्रयागराज पुलिस ने वारंट भी मांगा है। हिंदू देवी देवताओं पर की थी आपत्तिजनक टिप्पणी। कॉमेडियन मुनव्वर फारूकी को यूपी लाएगी पुलिस। लखनऊ से खबर आपको इस वक्त बता रहे हैं, अभी एमपी के इंदौर जेल में बंद हैं मुनव्वर फारूकी। प्रयागराज पुलिस ने मांगा वारंट भी। हिंदू देवी देवताओं पर की थी आपत्तिजनक टिप्पणी। लखनऊ से खबर, कॉमेडियन मुनव्वर फारूकी को यूपी लाएगी पुलिस। नरेंद्र यादव जुड़ा है हमारे साथ, हमारे सहयोगी नरेंद्र। समझना चाहेंगे, मुनव्वर फारूकी को उत्तर प्रदेश लाएगी पुलिस, क्या कुछ पूरी खबर है ये? मुनव्वर फारूकी के खिलाफ प्रयाग में मुकदमा दर्ज है। प्रयागराज पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया है। विवादित बयानों को लेकर इनके ऊपर मुकदमा दर्ज किया गया है। फिलहाल अभी मुनव्वर फारूकी इंदौर जेल में बंद हैं और वहां से प्रयागराज पुलिस प्रयास कर रही है कि इनको जो वारंट जारी किया गया है उसके तहत इनको उत्तर प्रदेश लाया जाए और इन मामले में इनको जो अभियुक्त बनाया गया है इन सारे मामले को लेकर यहां कोर्ट में पेश किया जाए, क्योंकि लगातार विवादित बयानों के चलते उत्तर प्रदेश पुलिस उनको रिमांड पर लेना चाहती है और उनका पूरी कोर्ट की जो प्रक्रिया है, न्यायिक प्रक्रिया है, उत्तर प्रदेश में शुरू करना चाहती है। इसी के चलते प्रयागराज राज पुलिस अब वारंट जारी कर रही है और लगातार प्रयास कर रही है कि मुनव्वर फारूकी को उत्तर प्रदेश लाया जाए और यहां कटघरे में उनको खड़ा किया जाए। जी बहुत शुक्रिया आपका नरेंद्र, इस जानकारी के लिए।